काम को करने के लिए। चमरची अंचल क्षेत्र के शिक्षक आंगनवाड़ी कर्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं आशाकर्मी को लेकर अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी दशरथ तिर्की के समर्थन में आज चमरची धर्मशाला प्रांगण में सभा आयोजित की गई। इस सभा में चमरची अंचल तृणमूल कांग्रेस के सभापति एवं जिला परिषद कर्म अध्यक्ष मनोज तामंग, चमरची ग्राम पंचायत के उप प्रधान धानु मुर्मू, अंचल युवा तृणमूल कांग्रेस के सभापति नीरज छेत्री, जय हिंद कहानी अंचल सभापति संजय मुखर्जी, शिक्षक अंजन राय, हसन अंसारी, उत्तम बरुआ सहित कई उपस्थित थे। सभा में आगामी 11 अप्रैल को होने वाली अलीपुरद्वार लोकसभा चुनाव के विषय में विस्तृत चर्चा करते हुए इलाके के उन्नयन, विकास एवं भाईचारे को यथावत बनाए रखने हेतु तृणमूल प्रत्याशी को भारी मत से विजय बनाने का आह्वान किया गया। और जनता के पास में सबसे ज्यादा हम लोग से भी ज्यादा आप लोग जाते हैं। हमारे पास में तो कौन आते हैं, सिर्फ जिसको दरकार हुआ, किसी को तकलीफ हुआ, किसी को असुविधा हुआ, किसी को यही लोग आते हैं। बाकी बात जिसका सुख है, जो चल रहा है, वो तो कभी आता नहीं है। हमारा खाली समस्या वाला लेके आता है, मल्टीपर्पज समस्या। किसी के घर में बीवी का झगड़ा हो गया तो किसी को हॉस्पिटल का लेके, किसी को केस कोर्ट कचहरी को लेके, मैंने नाना प्रकार का। कोई हम तो ना पीएचडी किया है ना कोई ऐसा पैसा है, लेकिन सब तरफ का समस्या लेके आता है और उसी के साथ में हमारा तालमेल ज्यादा होता है। आप लोगों से तो कभी बात करने का मौका भी नहीं मिलता है, कभी ये भी नहीं मिलता है। तो मेरा उद्देश्य क्या है, लंबा चौड़ा बात करना नहीं है। यहाँ पर देखिए हर एक क्षेत्र में ममता बनर्जी नया नया स्कीम लेके अभी भी बहुत शिल्प शिल्पी क्षेत्र में बोलिए या खुद से भी हर एक है ऐसा। अभी जैसे वृद्धा भत्ता लोग को लेके, जैसे हमको भी अगर देने से जो शिल्पी लोग होता है उसको भी 1000 क्या है वो आने उसको तो कार्यक्रम। हमारा एक कार्यक्रम क्या है, हमारे चामुर्ची ग्राम पंचायत में हमारे जो नॉर्थ बंगाल के ऑब्जर्वर MIC मंत्री जो आपका PWD मंत्री भी है और युवा खेल मंत्री भी है और विश्वास जी 1 तारीख को हमारे चामुर्ची ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य की बात है क्योंकि कभी भी कोई मंत्री सब आने से हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा और उसी को सफल करने के लिए कम से कम उस समय में हमारे जो जितने भी GP के अंतर्गत में जो भी शिक्षक शिक्षिका हो या ICTS कर्मी हो, आशा कर्मी हो, सभी का उपस्थिति होने से क्या होगा उसमें और अच्छा और ये कार्यक्रम सक्सेस होगा। और उसके साथ साथ में दूसरा तो एजेंडा था क्योंकि हम लोग झूठ बोल के तो आपको किसी को बोलने का खुला के तो झूठ ज्यादा टिकेगा ना, इसीलिए हम लोग ये चिट्ठी बांटते समय भी राजेश जी का